जय हिंद। तो आज आपका चैप्टर है डिजिटल सम। तो हम डिजिटल सम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम से बड़े बड़े फ्रैक्शन को, बड़े बड़े चीजों को, आप हर एक चीज को कर सकते हैं, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा, चाहे भाग। तो आज आपका टॉपिक है डिजिटल सम, मल्टीप्लाई का डिजिटल सम, कैसे बड़े बड़े मल्टीप्लाई आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले डिजिटल सम होता क्या है, हम उसको समझते हैं। देखिएगा, डिजिटल सम जैसे मैं लिखा ना 1 2 5 6 0 3 कुछ भी लिखो। अब इसका डिजिटल सम होगा क्या, पहला नंबर देखना। अगर मैं केवल 12 लेता हूं, इसमें डिजिटल सम 2 1 3 आ रहा है। कितना डिजिटल सम का मतलब होता है कोई वन डिजिट, केवल किसी को पूरा मिलाकर वन डिजिट होना चाहिए। जैसे यहां पर हमने क्या लिया 9 19 9 1 10, इसका डिजिटल सम 1 बनेगा। फिर यहां पर देखेंगे ये 56 है, 56 का डिजिटल सम क्या होगा 6 5 11, एक आया ना, फिर एक एक, मतलब कि वन डिजिट होना चाहिए। जैसे 98 लिया तो इसका क्या होगा 9 8 17 17 7 1 8, डिजिटल सम 98 का 8। डिजिटल सम का मतलब ये होता है, अब हमने इतनी बड़ी संख्या ली तो इतनी बड़ी संख्या का डिजिटल सम क्या होगा। देखना 3 2 5 5 6 6 6 12 12 5 17 17 2 19 1 20। अब 20 का डिजिटल सम कितना आएगा, 2 आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल सम के बाद मल्टीप्लाई करना। याद रखना ये बाई ऑप्शन पे आपका 100% श्योर बैठता है, ये कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती डिजिटल सम के लिए। देखिए जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आपको ये लेता है मतलब कि 111 में मल्टीप्लाई 611। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका डिजिटल सम कितना आएगा, हम यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं आपको 1 3 2 1 3 2 2, मतलब कि 1 3 1 1 2 हो गया। बी ऑप्शन है 1 2 3 2 1 हो गया, और सी ऑप्शन है 6 मतलब कि 6 5 2 3। नेक्स्ट ऑप्शन आपका डी है 1 3 3 3 3 1। अब आप इसमें दो नंबर आ गया ऑप्शन, ठीक है ना। एक तो इसका एक तरीका और है, जैसे हमने केवल 1 1 का ही केवल किया है, आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 है तो 1 2 3 1 2 3 2 1 ऐसे कर सकते हैं ना। लेकिन हम डिजिटल सम देखते हैं, 1 1 कम 1 1 कम 1 मल्टीप्लाई 1 1 कम 1 कम 1, तो 1 1 कम 1 मल्टीप्लाई किया हुआ, मतलब डिजिटल सम 1 आया। सबका चेक करते हैं, 3 1 4 5 5 1 6 2, इसका देखते हैं 2 1 3 3 3 6 6 3 सॉरी, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 1 2 3 3 9, डिजिटल सम 9 आया। तो इसमें इसका कितना आया 9, इसका देखते हैं 6 5 11 11 2 13 3 16 6 7, डिजिटल सम 7, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 2 14, डिजिटल सम 5 आएगा ना। तो याद रखना यही आपका इसका डिजिटल सम है। अब ये तो छोटा था, चलिए हम बड़ी बड़ी संख्याओं का डिजिटल सम निकालते हैं, क्योंकि इसमें तो हो जाता, तो हम देखेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं का डिजिटल सम। थोड़ा सारा लेना पड़ेगा, याद होना इतना बड़ा डिजिटल सम तो याद नहीं रहता किसी को भी, मैं मोबाइल से डिजिटल सम कर रहा हूँ, देखना। चलिए जल्दी से 598 गुणा में 598 है ना, तो 598। देखिए वह स्क्वायर ही नहीं होगा, कुछ का भी हो सकता है, इसका डिजिटल सम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 3576 01 3576 01, दूसरा है 3575 04, तीसरा है 3678 03, चौथा आपका ऑप्शन है 3577 04, आपके ये 4 ऑप्शन है। निकालिए जल्दी से डिजिटल सम क्या होगा, दूसरा नंबर 3575 04, ये वाला आएगा। अच्छा मतलब कि ऑप्शन चौथा ऑप्शन, और लोग निकालिए, अभी नहीं समझ आया, हो गया।
सी नंबर। अच्छा ये डी नंबर है भैया, ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, डी नंबर है, मतलब डी नंबर का मोस्टली आंसर आ रहा है। अच्छा कंफर्म, अरे मतलब मोस्टली का मतलब ज्यादातर स्टूडेंट का डी नंबर ऑप्शन आ रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? मल्टीप्लाई देखिएगा, अरे किस आगे देखिएगा, 9, 8, 17, 17, 5, 22, 22 का फिर डिजिटल सम कितना होगा, 2, 2, 4 हुआ ना, तो तुम्हें वैसे मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। 9, 8, 17, 5, 22 का 2, 2, 4, 4 चौको 16, 6, 7 डिजिटल सम किसका आ रहा है, 7 देखते हैं, 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 से 22, मतलब 1, 1, 2 आ गया ना, ओ सॉरी 2, 2, 4, इसमें डिजिटल सम कितना आया, 4 आगे देखना, 5, 3, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 4, 24, 4, 2, 6 डिजिटल सम 6, फिर यहाँ पर 6, 3, 9, 9, 9, 18, 6, 24, 24, 3, 27, 26 होगा ना, 6, 2, 8 इसका, 6, 3, 9, 7, 16, 8, 24, 3, 27, 7, 2, 9 और इसके देखिएगा, 5, 3, 8, 7, 15, 6, 21, 21, 4, 25, 5, 2, 7 डिजिटल सम 7 किसना है इसका डिजिटल सम, मिल गया ऑप्शन सही हो गया, समझ में आया। और दें सर, और लिखिएगा, नौ सौ चौसठ 78, 96 यहाँ पर मैं लिख के फिर तभी से इरेज कर रहा हूँ, 964, 78, 96, 964, 78, 96 ऑप्शन दूँ, ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन में दे रहा हूँ, 75, 11, 744, दूसरा ऑप्शन है 76, 11, 644, तीसरा ऑप्शन है 76, 11, 744 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यान से दिए हो ना, अच्छा अच्छा बोल दिए, मतलब हल करके बताओ ना, अच्छा अच्छा हल करके बताया सही है, अच्छा 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 दस नौ उन्नीस नौ दस नौ सत्रह, एक और तो ट्राई कर लो, ऑप्शन पूरे ट्राई किया करो, सबसे बड़ी गलती मत किया करो, दूसरा ऑप्शन मिला, चलिए ठीक है, हाँ ऑप्शन सी सही हो रहा है, मतलब बदल गया ना, इसीलिए कहता हूँ पूरा चेक करो, ध्यान से चेक करो, अच्छा तो तुम लोग कितना लग, देखिए अगर आपको ये 9, 6, 15, 15, 4, 19, 9, 1, 10, 10 का मतलब क्या होगा, एक बनेगा, जितना तुम्हें मतलब कि एक अंक तक लगाना है, देखिए 9, 8, 17, अब तुम्हें 17 के बाद क्या है नहीं पता ना, कि 17 में 9 जोड़ना है, तो ये लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं ना, सीधा 9, 8, 17, 7, 1, 8 हो, इसी 8 मान लो, फिर 8, 9, 17, 7, 1, 8 फिर मान लो, 8, 6, 14, 4, 1, 5 नहीं ऐसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं कि 8, 7, 15 और 5, 1, 6 हो जाएगा ना ये, फिर 9, 6, 15, 5, 1, 6, 6, 6, 12, 1, 1, 2, 1, 3 कितना गया, सही कह रहा हो गलत कर रहा हूँ, ऐसे हो सकता है नहीं, सही था डिजिटल सम 3 आ रहा है इसका, टोटल डिजिटल सम इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना,
तो देखिएगा 8, 7, 15 15, 9, 9, 5, 24 24, 6, 30 30 का 3 आया था ना, 3 3 एकम डिजिटल सम 3 जोड़ी किसका 3 आ रहा है, 7, 5, 12 12, 13, 14 अब 14, 7, 21 21, 8, 29 एक मिनट 7, 5, 12, 12, 13, 14, 14, 7, 21 21, 4, 25 25, 4, 29 29 मतलब 9, 2, 11 11 का मतलब 2 आगे फिर से 7, 6, 13, 14, 15, 15, 6, 21, 4, 25, 4, 29 29 का मतलब 9, 2, 11 का मतलब डिजिटल सम 2 7, 6, 13, 14, 15, 15, 7, 22 22, 4, 26, 4, 30 30 का डिजिटल सम का मतलब 3 किसका मैच किया अर्थात ऑप्शन नंबर सी समझ में आया, इधर डिजिटल सम समझ में आया आपको, आप की बात कर लोगे समझ जाए नहीं, किसका किसका गलत था, क्या अरे 29 आया 9, 2, 11 इसका भी 29 आ रहा 9, 2, 11 2 होगा, फिर से देखिए हाँ फिर से जोड़े 7, 5, 12, 13, 14, 7, 21, 4, 25, 4, 29 29 लिखा गया तो 29 का 9, 2, 11, 11 का 1, 1, 2 समझ में आया, बाकी भी सही था ना डिजिटल सम। और देखिएगा किसी के दिमाग में ये भी आता रहा अगर सर पॉइंट में आएगा तो क्या दशमलव में भी डिजिटल सम आएगा, बिल्कुल दशमलव में भी डिजिटल सम आएगा। चलिए हम एक दूसरे लेते हैं, काफी लंबा लेंगे ना आपकी बार घबरा दीजिए, आपकी बार थोड़ा और बड़ा ले रहे हैं 1456 क्या है 1456 अरे नहीं नहीं 4561 है 4561 मल्टीप्लाई 12, 365 12, 365 ये इसका देखिए यहाँ पर हम अब की बार एक यहाँ पर पॉइंट लगा रहे हैं और अब की बार यहाँ पर इसमें एक अंक और इसमें दो अंक पॉइंट लगा रहे हैं, आप अपने ऑप्शन को ढूंढना लिखिए 56, 39 क्या लिखेंगे 56, 39, 67, 65 यहाँ पर पॉइंट रहेगा, ऑप्शन है ब्लैक कोई नहीं है क्या, ब्लैक दूसरा है बी ऑप्शन है 56, 48, 6.765 ऑप्शन सी है 54, 39, 6, 7, 6, 5 ऑप्शन डी है 5, 6, 3, 9, 6.765 चलिए इसमें से बताइए, देखिए अगर आप 25, 6, 21 नहीं जोड़ पा रहे तो 25 में फिर से जोड़िए 6, 5, 11, 1, 1, 2 आप उसमें 2 में 6 जोड़िए है ना, अगर आप ये डिजिटल समाज की बड़ी बड़ी संख्याओं जैसे आता है ना ये वहां से तुम जैसे गुणा भाग करना होता है वहां पर आप पूरे को चेक कर लीजिए और सीधा वहां से तुम सीधा डायरेक्ट ऑप्शन पे चले आ सकते हैं, ऐसे नहीं 18 है तो 8, 1, 9 कर लो फिर 9, 6, 54 हो जाएगा 9, 6, 15 ऐसे कर लीजिए। तुम्हें मल्टीप्लाई में 1 से 2 अदद में जाना ही नहीं है, हर कंडीशन में 1 डिजिट तक ही रहना है, क्योंकि डिजिटल सम की कहता है ना कि डिजिट 1 होना चाहिए।
हो गया। ऑप्शन काफी देर लग रहा है, थोड़ा इसे पॉज करने का प्रयास करें। तो बस टाइम सब हो गया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जितने लोग आ गया देखिएगा, 5 4 9 4 अब देखिए 15 15 1 16 6 1 7 पहला नंबर टारगेट ये कि डिजिटल सम का मतलब कोई भी नंबर को जोड़ो लेकिन उसे एक वन डिजिट में लाना, एक अंक में लाना है। आगे देखिएगा 2 1 3 3 6 6 12 5 17 17 7 1 डिजिटल सम। क्या 8 और 7 का पढ़ा किसी को नहीं आता? नहीं आता तो बोलो नहीं आता है, आता ना 8 7 56 कितना आया 56 56 के डिजिटल सम 6 6 5 11 11 का मतलब देखिएगा 1 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा, अच्छा 56 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 56 हो जाएगा, 56 6 5 11 11 का डिजिटल सम 2 होगा भैया, 1 1 2 2 होगा। अब देखिए समी देखिएगा हम कैसे 6 5 11 3 14 हाँ पहला नंबर तो डायरेक्ट सरल तरीका क्या है कि देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 765 मिल रहे हैं, इसलिए तो ये हो गया नहीं क्योंकि यहाँ पर 4 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 2 और 1 3 मल्टीप्लाई में क्या होता है इसमें इसको जोड़ कितने अंक बाद दशमलव है, कितने अंक बाद 2 अंक बाद इसमें और 1 अंक बाद 2 1 3 अंक बाद, 3 अंक बाद दशमलव किसमें किसमें है इसमें और इसमें, अर्थात ये नहीं होगा ना ये होगा डायरेक्ट ये दोनों कर लेते क्योंकि दोनों क्या है 4 डिजिट के बाद है। फिर से देखना मल्टीप्लाई में अगर डिजिट होगा तो क्या होगा कि 2 अंक बाद 1 अंक बाद इसको कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है तो जोड़ लो दोनों को 2 1 3 2 ये है 1 ये 2 1 3 3 अंक बाद तुम्हें दशमलव लगना चाहिए, 3 अंक बाद दशमलव केवल बी और डी ऑप्शन में है तो ए और सी ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना। अब इसमें डिजिटल सम लगाते हैं 6 4 10 5 15 है ना, अब 15 में तुम्हें 8 नहीं जोड़ना रहा है, 15 क्या होता है 5 1 6 अब जोड़ लो 6 6 12 8 20 20 में फिर मत जोड़ो 2 जोड़ लो, 20 का डिजिटल सम कितना होगा 2 होगा, अब 2 में 7 2 9 हो जाएगा क्योंकि 2 आया ना यहाँ का डिजिटल सम, 2 7 2 9 9 6 15 15 5 20 डिजिटल सम इसका कितना आया है 2 आया नहीं है भाई, इसका तो भी तो आ गया डिजिटल सम, गलत तो नहीं किया है, एक बार देख लेते हैं 6 4 10 10 8 18 6 24 24 24 5 29 29 7 26 46 45 47 5 47 5 12 इसका 3 आना चाहिए ना, कैसी गलती तो नहीं कर रहे हैं 6 5 11 11 4 15 सॉरी 6 5 11 4 15 15 5 6 हो जाएगा 8 6 14 14 26 2 अब इसके बाद 7 2 9 और 9 6 15 5 20 ये कैसे हो जा रहा है, मतलब दो तरीके में आ रहा है, ट्राई करते फिर से 6 5 6 4 10 5 15 15 8 15 8 23 23 44 47 7 23 हो गया ना 23 29 29 7 36 46 5 47 7 5 12 2 1 3 इसका पहले देखते हैं डिजिटल सम कितना रहा, 3 पहले एक बार चेक कर लेते हैं, तब इसका क्या रहा 6 5 11 11 3 14 14 9 23 और 23 29 29 7 36 46 5 47 7 4 11 1 1 2 इसका भी डिजिटल सम 2 इसका भी, अर्थात ऑप्शन ये सही है। अब थोड़ा देखिएगा थोड़ा पॉज करिए थोड़ा यहाँ पर देखिए देखिए बस डिजिटल सम क्यों लिखा